अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एकेडमिक रीडिंग सो व्हाट इज़ एकेडमिक रीडिंग एकेडमिक रीडिंग इज़ डिफाइंड एज रीडिंग विद ए स्पेसिफिकली एकेडमिक एंड एजुकेशनल पर्पस वो रीडिंग जो हम स्पेसिफिकली एकेडमिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं स्पेसिफिक मींस फिक्स्ड फिक्स्ड क्या होगा पर्पस और वो पर्पस हमारी एजुकेशन से लिंक्ड होगा एक्डेमिक रीडिंग इज़ अ मोर स्ट्रेटेजिक वे ऑफ रीडिंग स्ट्रेटेजिक वे मीनस प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग फॉर एक्डेमिक एंड एजुकेशनल पर्पस, देन योर एवरीडे रीडिंग विच इज़ यूजुअली फॉर फन ये हम इस तरह समझ सकते हैं एक्डेमिक रीडिंग और एवरीडे रीडिंग का पर्पस डिफरेंट होता है एवरीडे रीडिंग का पर्पज़ फ़न प्लेजर या फिर इंफॉर्मेशन हो सकता है जबकि एक्डेमिक रीडिंग का पर्पज़ लर्निंग एजुकेशन नॉलेज होता है इट डिफर फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग इन नॉट ओनली द कंटेंट ऑफ व्हाट इज़ रेड बट आल्सो हाउ इट इज रेड एक्डेमिक रीडिंग का ना सिर्फ कंटेंट डिफरेंट होता है बल्कि रीडिंग मेथड भी डिफरेंट होता है कंटेंट मींस मटेरियल। इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद एंड मेक कनेक्शंस एंड जजमेंट्स बिटवीन टेक्सट क्वेश्चन कंट्रीब्यूशन एकेडमिक रीडिंग एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें हम ना सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ते हैं और हाईलाइट करते हैं बल्कि हम उसके नोट्स भी बनाते हैं और उसे हम अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से भी लिंक करते हैं इस प्रोसेस में हम ड्यूरिंग रीडिंग क्वेश्चन भी करते हैं और इससे क्या होता है क्रिटिकल थिंकिंग डिवेलप होती है काइंडस ऑफ एकेडमिक रीडिंग या रीडिंग स्किल्स डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स हैं जो कि हम टेक्स्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं फर्स्ट वन इज स्किमिंग सेकेंड इज स्कैनिंग थर्ड इज इंटेंसिव रीडिंग फोर्थ इज एक्सटेंसिव रीडिंग फर्स्ट पे हम स्किमिंग को डिस्कस कर लेते हैं वट इज स्किमिंग स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटीरियल स्किमिंग टेल्स यू वट जनरल इंफॉर्मेशन इज विद इन अ सेक्शन स्कीमिंग में हम किसी भी टॉपिक को रीड करते हुए उसका जनरल ओवरव्यू लेते हैं स्कीमिंग ऑफन रेफर्स टू द वे इन विच वन रीड्स एट अ फास्टर रेट टू गेन द जनरल आइडिया अबाउट द टेक्स्ट विदाउट पेइंग हीड टू द इंटेंशनल एंड डिटेल्ड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट स्कीमिंग में रीडर का मेन फोकस जनरल आइडिया पर होता है जबकि वो टेक्स्ट के इंटेंशनल और डिटेल्ड मीनिंग को इग्नोर करता है फॉर एग्जाम्पल वन वन रीड्स द टेक्सट ऑनली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन वन और टू लाइन्स इसमें हम ये एग्जाम्पल एड कर सकते हैं मोस्टली रीडर्स का मेन फोकस टेक्स्ट की फर्स्ट टू लाइन्स पर होता है ताकि वो मेन थीम समझ सकें स्कीमिंग में हम टेक्स्ट के मेन आइडिया पर फोकस करते हैं इसमें हम डिटेल स्टोरीज से अवॉइड करते हैं मेन आइडिया मोस्टली टेक्स्ट के स्टार्टिंग लाइन्स में मिलता है ड्यूरिंग स्कीमिंग रीडर का मेन फोकस टाइटल और इंट्रोडक्शन पर होता है स्कीमिंग का मेन पर्पस रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करना होता है और इसके लिए रीडर हर पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन को रीड करता है नेक्स्ट है स्कैनिंग। स्कैनिंग इज यूज टू फाइंड अ पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड स्कैनिंग में रीडर का मेन फोकस रेलिवेंट वर्ड्स पर होता है लाइक like हम कोई भी वर्ड सर्च करना चाहते हैं डिक्शनरी से तो हम जस्ट उसी वर्ड की हिस्ट्री ही देखेंगे हम फुल डिक्शनरी को एक्सप्लोर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा टाइम लग सकता है स्कैनिंग इज़ रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स स्कैनिंग रेफर्स टू लुकिंग थ्रू आ टेक्स्ट वेरी क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक डिटेल्स फॉर एग्ज़ाम्पल जब हमें फ़ोन डायरेक्टरी से किसी का टेलीफोन नंबर सर्च करना होता है तो सबसे पहले हम उस पेज को स्कैन करते हैं और उसके बाद स्पेसिफिक पर्सन के नेम को सर्च आउट करते हैं बाई यूजिंग स्कैनिंग टेक्निक द टीचर गिव्स स्टूडेंट्स टाइम टू सर्च स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इन द टेक्स्ट क्विकली सो द स्टूडेंट्स डू नॉट रीड द होल टेक्स्ट नेक्स्ट है इंटेंसिव रीडिंग द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज टू रेड विद फुल कंसेंट्रेशन एंड कम्प्लीट फोकस इट्स नॉट अबाउट रीडिंग बुक आफ्टर बुक और टेन आर्टिकल्स अ डे इवन इफ यू आर रीडिंग अ सिंगल लाइन कोट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड वट द वर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे इंटेंसिव रीडिंग में रीडर टेक्स्ट को फुल कंसनट्रेशन से रीड करता है इसमें रीडर का मेन फोकस टेक्स्ट के मैसेज पर होता है और वो ये कोशिश नहीं करता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स को रीड करे इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क इंटेंसिव रीडिंग का मेन पर्पस क्या होता है स्टूडेंट टेक्स्ट से डिटेल्ड मीनिंग कंस्ट्रक्ट करे इससे स्टूडेंट्स में रीडिंग स्किल्स डिवेलप होती हैं नॉलेज ऑफ़ वोकेबलरी इंक्रीज होता है और ग्रामर इम्प्रूव होती है हेयर आर सम वेज टू डिवेलप द हैबिट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग Taking notes, break down the reading process, apply what you have learned. इस प्रोसेस में हम नोट्स बनाते हैं और अपनी रिसेंट स्टडी को प्रीवियस स्टडी से रिलेट करते हैं लास्ट है एक्सटेंसिव रीडिंग एक्सटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग टेक्स्ट फॉर इंजॉयमेंट एंड टू डेवलप जनरल रीडिंग स्किल्स एक्सटेंसिव रीडिंग का मेन पर्पस स्टूडेंट्स की फ्लुएंसी को इंक्रीज करना होता है सो so, स्टूडेंट्स शुड नॉट बी स्टॉपिंग फ्रिक्वेंटली बिकॉज दे डोंट अंडरस्टेंड अ पैसेज एक्सटेंसिव रीडिंग इज कंसर्न विद रीडिंग डिफरेंट बुक्स एंड अदर स्टडी मटीरियल बेस्ड ऑन सिमिलर कंसेप्ट और आइडिया इन कंट्रास्ट इंटेंसिव रीडिंग इन्वाल्वस रीडिंग द गि मटीरियल अगेन एंड अगेन टू अंडरस्टैंड इट इन फुल ये हम इस तरह भी समझ सकते हैं इंटेंसिव रीडिंग में हम एक ही टेक्स्ट को अगेन एंड अगेन रीड करते हैं जबकि एक्सटेंसिव रीडिंग में हम डिफरेंट सोर्सेस से हेल्प ले सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम राइटिंग स्किल्स को डिस्कस करेंगे आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी थैंक यू सो मच